प्रदेश के सभी जिलों में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस SRI और इन्फ्लुएंजा लाइफ इलनेस LILI के रोगी जो COVID-19 जांच में निगेटिव पाए गए हैं उनकी 6 रोग टीबी की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में राज्य स्तर से प्रदेश के सभी जिला 6 रोग अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें जिक्र है कि जनपद के जिला सर्विलेंस अधिकारी से COVID-19 निगेटिव SRI और ILI की सूची प्राप्त कर उनकी टीबी की जांच कराना सुनिश्चित किया जाए। महानिदेशक चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मेजर डॉक्टर DS नेगी ने कहा है कि COVID-19 और 6 रोग के कई लक्षण समान होते हैं। जांच में जिनसे भी 6 रोग की पुष्टि होती है उनका विवरण निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, हाँ, जो कोरोना पॉजिटिव आए थे उनको हम लोग बाद में ट्यूबरकुलर टेस्ट भी कराएंगे हमारी CVNET मशीन से, क्योंकि उनकी लाइन लिस्ट, उनका मोबाइल नंबर, वो सब हमारे पास है। तो प्रायः ये देखा जाता है कि जो ट्यूबरकुलर पेशेंट होते हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, किडनी डिजीज़ के होते हैं, हार्ट डिजीज़ के होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पहले से ब्रोंकियल एस्मा वगैरह के केसेस होते हैं, उनमें कोरोना अफेक्ट करता है ज़्यादा और वो सीरियस भी ज़्यादा होते हैं। तो शासन ने एक निर्देश दिया है कि आपके पास ये पूरी लिस्ट होती है तो आप इनको सर्वे करके इनके टेस्ट करा लें कि ये ट्यूबरकुलर फ्री हैं या ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित तो नहीं। अगर ग्रसित पाए जाते हैं तो हम उनका पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से निःशुल्क जो शासन के स्तर से इलाज दिया जाता है वो इलाज देंगे और उनको जो भरण पोषण का 500 रुपये दिया जाता है वो भी देंगे। केसेस की संख्या बढ़ने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम लोग सैम्पलिंग खूब कर रहे हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है। हमारे अर्बन में 22 जगह टेस्ट होते हैं, एक हमारा स्टैटिक पॉइंट चरगवा है, वहाँ भी रोज़ टेस्ट होता है, अब तो राउंड ही क्लॉक कर दिया है, और हमारी 22 में से 20 PSCs और CSCs पे भी टेस्ट हो रहे हैं, प्लस 5 हमारी मोबाइल यूनिट टेस्टिंग कर रही है। इसलिए टेस्ट फैसिलिटी बढ़ जाने की वजह से हम स्कैन कर पा रहे हैं लोगों को और इस वजह से भी पॉजिटिविटी बढ़ी है, पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक यात्राएं, मास्क पहनना और हाथ बार बार धोना, बिना हाथ धोए आँख नाक मुँह को ना छूना, ये जब तक फॉलो नहीं करेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमको किस जगह से कहाँ से इन्फेक्शन मिल गया और वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, फिर उनके सिम्टम्स आएंगे, ना भी सिम्टम आए अगर हमने उनको स्क्रीन करा तो उसमें वो पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि 80% नॉन सिम्टोमेटिक लोग ही पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मेरी अपील है पूरे गोरखपुर के जनमानस से कि कृपया 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, ये फार्मूला, हाथ धोकर आँख मुँह नाक छुएँ, दूसरा भीड़ भाड़ इलाकों से बचें, अनावश्यक जगहों पर ना जाएँ, और थोड़ा देर भले हो जाए अगर कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए लाइन से उस चीज़ को करें, तो आप अपने को बचाएंगे, आपके अगल बगल जो लोग हैं करीब में आ रहे हैं उन्हें बचाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे।